नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का वैरायटी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए एग्रीकल्चर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और होने की उनकी संभावनाएं हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिना देरी के हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पोटाश इन म्यूरेट ऑफ पोटाश। किसकी परसेंटेज बतानी है? पोटेशियम की परसेंटेज बतानी है। किसमें बतानी है? म्यूरेट ऑफ पोटाश। किसमें बतानी है? म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम की परसेंटेज बतानी है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 50%, दूसरा है 60, तीसरा है 55, चौथा क्या है 65%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 60%। म्यूरेट ऑफ पोटास में कितनी परसेंटेज पोटेशियम पाया जाता है? 60% पोटेशियम पाया जाता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्रूसिफेमेरी। जो नीचे से अपने जो निम्नलिखित दिए हुए हैं क्रॉप्स दे रखी है, इनमें से अपने को पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्रूसिफेरी फैमिली से नहीं है। देखिए दोस्तों, केबेज भी है, कॉलीफ्लोवर भी है और ब्रोकली भी है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? बीट रूट। बीट रूट किस फैमिली से नहीं है? क्रूसिफेरी फैमिली से नहीं है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साइंटिफिक नेम बताना है तुलसी का। तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एजाडीरेक्टा इंडिका, ये किसका होता है? नीम का होता है। इसके बाद में है विस्कस रोसा साइनेंसिस। इसके बाद में है एलोय बारबेंडिसिस, ये एलोय वेरा की कोई वेराइटी है। इसके बाद में है ओसिमम टेनोफ्लोरम, यही क्या है दोस्तों? तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओसिमम टेनोफ्लोरम। ये किसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों? ये तुलसी का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड नेशनल बैंक और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए। ये एक नहीं, अनेक एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। अब इसमें अपने को पूछ क्या रहा है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है निम्नलिखित में से, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई। कहाँ पर स्थित है नाबार्ड का हेडक्वार्टर? कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की अगर आपको स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए अपने को प्रारंभिक स्रोत बताना है कि एग्रीकल्चर का प्रारंभिक स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है। अब देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है लैंड, एयर और वाटर। दूसरा क्या है? सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। इसके बाद में है सीड, एयर और वाटर, लैंड, फर्टिलाइजर और वाटर। दोस्तों, अपन इसको ओनली ऑप्शन को देख के अपने इसका राइट आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला है अपने पास लैंड, मतलब भूमि नहीं होगी तो आप बीज को कहां से कहां डालोगे? जो अपने को एग्रीकल्चर का प्रारंभिक सोर्स बोल रहे हैं, मतलब अगर लैंड ही होगी तो अपन लैंड के बिना एग्रीकल्चर संभव है क्या? नहीं है। इसके बाद में है एयर, अगर एयर नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो पौधा श्वसन नहीं कर पाएगा, श्वसन नहीं कर पाएगा तो जीवित कैसे रहेगा? तो इसके बिना भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में है वाटर, वाटर के बिना भी संभव नहीं है, मिनरल्स कैसे लेगा? तो अपने पास ये तीनों क्या है? तीनों असेंशियल है। तीनों क्या है? असेंशियल है। अब देखिए नेक्स्ट में देख लीजिए, सीड क्या है? सीड असेंशियल है मान लो। अब फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर तो लैंड में भी पाया जाएगा, जो भूमि होगी उसमें भी तो फर्टिलाइजर पाया जाएगा ना। पेस्टिसाइड वगैरह न दे तो भी चलता है। अब यहाँ पर सीड है, सीड के बिना एग्रीकल्चर संभव है? एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं ये उग सकते हैं, अगर एयर, लैंड
मतलब कहने की बात ये है दोस्तों, प्रारंभिक स्रोत की बात कर रहा है, तो प्रारंभिक क्या क्या रखे गए हैं? प्रारंभिक स्रोत है लैंड, एयर और वाटर। क्या है? लैंड, एयर और वाटर। अब इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कल्टीवेशन ऑफ बिगिंस इन, कल्टीवेशन ऑफ राइस। यहाँ पर पूरा टाइप नहीं किया हुआ क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ राइस, कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस की जो शुरुआत है, राइस की कल्टीवेशन की शुरुआत है वो कब की गई थी? राइस के कल्टीवेशन की शुरुआत की गई थी दोस्तों 2200 BC। कब की गई थी? 2200 BC। BC की अगर फुल फॉर्म आपको पूछे तो बिफोर क्रिस्ट, क्या होगी? बिफोर क्रिस्ट। अब इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहे हैं? खरीफ, रबी एंड जायद वर्ड बिलोंग टू, मतलब जो खरीफ वर्ड है, रबी वर्ड है और जायद वर्ड है, ये तीनों वर्ड कौन सी भाषा से लिए गए हैं? कौन सी भाषा से बिलोंग करते हैं ये? अब देखिए दोस्तों, पहला है उर्दू, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है अरबी और चौथा है पर्शियन। अब दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अरबी, अरेबिक। अरेबिक किसका क्या होगा राइट आंसर? और एक मॉनसून, जो मॉनसून वर्ड है ये भी किससे लिया गया है? ये भी अरेबिक वर्ड से या अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दोस्तों? देखिए ऑप्शन है अपने पास हाइड्रोमीटर, पायरेनोमीटर, एनीमोमीटर और अल्टीमीटर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से अपने को कौन सा देखना है? विंड वेलोसिटी कौन सा यंत्र मापता है, इंस्ट्रूमेंट मापता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एनीमोमीटर। क्या होगा दोस्तों? एनीमोमीटर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पीईटी वाज कॉइंड बाय, मतलब इसमें क्या पूछ रहा है अपने को? जो पीईटी टर्म है ये किसके द्वारा दी गई थी? पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, पीईटी की फुल फॉर्म क्या है? पीईटी की फुल फॉर्म है दोस्तों पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपिरेशन। क्या है? पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपिरेशन। क्या होगी? पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपिरेशन। इसकी जो ये पीईटी टर्म थी ये किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? ये दी गई थी थॉर्नवाइट के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नवाइट के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसके बाद में है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए रेनी डे कॉल्ड वेन रेनफॉल रिसीव्ड इन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स में 3 mm से, अगर 24 आवर में 3 mm से ज्यादा वर्षा हो तो उसको रेनी डे बोलते हैं, या 5 mm से ज्यादा हो तब बोलते हैं, या 1 mm से ज्यादा हो तब बोलते हैं, या 2.5 mm से ज्यादा हो तब उसको रेनी डे बोलते हैं। मतलब पूछने का मतलब ये है ए रेनी डे कॉल्ड वेन कब बोलते हैं? जब कितनी वर्षा हो? 2.5 mm से ज्यादा हो, 2.5 mm से ज्यादा वर्षा हो तो उसको क्या बोलते हैं? रेनी डे बोलते हैं। इसके बाद में आज के अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।